क्या मामला बताइए, बोलिए, ब्रीफ करिए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को टेबलेट वितरण की जानकारी दी गई थी। छात्र उसमें चयनित व पंजीकृत हुए थे और उन छात्रों से कहा गया था कि आपको सभी को योजना के दौरान टेबलेट वितरण किया जाएगा, किंतु और छात्रों से बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी कराया गया, उनसे वेरिफिकेशन भी फ़ोन पर किया गया, लेकिन जब वितरण की बारी आई तब छात्रों को नहीं दिया गया। उन्होंने हमें टहला दिया। जूही भारद्वाज मेरा नाम है। क्या मामला, जो डीएम ऑफिस आई आप? सर पहले तो टैबलेट में हम लोग का, हमें कोई ऐसा नहीं है कि लालच ही है, लेकिन हमारे लिए जो वितरण की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कम से कम हमें वो उसकी जानकारी तो दी जाए कि किस बेस पे हम लोग को नॉमिनेट किया गया था, अब किस बेस पे हम लोग को हटा दिया गया है। 160 बच्चे वो कौन से हैं जिनको उनको चुना गया है, हम लोग को नहीं चुना गया है, जबकि हम अटेंडेंस पूरी दे रहे हैं, हमने जितने टेस्ट हुए थे सब भी टेस्ट दिए हैं, हर अपनी जो भी डॉक्यूमेंट थे सब वो भी जमा किए थे, लेकिन कहीं जानकारी नहीं। टेस्ट देकर चयनित हुए थे उसमें, योजना में टेस्ट देकर हम लोग चयनित हुए हैं। क्या नाम आपका? आदित्य प्रकाश। डीएम ऑफिस में क्या समस्या बताइए। हम लोग जो मुख्यमंत्री योजना के तहत टेबलेट वितरण की योजना थी, इसमें हम लोग को टेबलेट नहीं दिए गए, उस संबंध में जिलाधीश महोदय से शिकायत करने आए हैं हम लोग यहाँ पर। कितने लोगों को दी गई टैबलेट? 314 छात्र अभ्युदय योजना में थे सिविल सर्विसेज के अंतर्गत, जिसमें से कुछ एक छात्रों को दिया गया, और वो पता नहीं कौन से छात्र हैं, उनके हम लोग के बीच में से जो नियमित रूप से कक्षा करते थे वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराते, तो उनमें से किसी छात्र का नाम नहीं है उसमें से। तो आप जो बता रहे हैं, उन्होंने आवेदन किया था मुख्यमंत्री? नहीं, आवेदन नहीं होना था, ये मुख्यमंत्री की स्वतः स्फूर्ति योजना थी कि जो भी छात्र उसमें चयनित था सभी को टेबलेट दिया जाएगा, लेकिन अब योजना पूर्ण पात्र थे, पात्र पात्र के लिए उनको एक शॉर्ट लिस्टिंग की गई थी, छात्रों से टेस्ट लिया गया था, एक मुख्यमंत्री के पोर्टल पर एक टेस्ट जारी हुआ था, वो टेस्ट दिया था छात्रों ने, उसमें चयन हुआ था जिन छात्रों को, उनको पंजीकृत किया गया था उस योजना के तहत अध्ययन करने के लिए। हम लोग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही क्लास ले रहे थे बरेली कॉलेज में जाकर। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस पर जो है जो छात्र हैं उनको उनका हक दिया जाए, उनको टेबलेट दिए जाए, सरकार ने दे रखे हैं, टेबलेट आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो कुछ लोगों ने दबा कर रखे हुए हैं, देना नहीं चाह रहे, सीधे सीधे घोटाला किया जा रहा है जो भी है। आप बताओ। मेरा नाम विकास यादव है। क्या मामला बताइए? मामला अभ्युदय योजना से टेबलेट से रिलेटेड है, और उसमें एक बार हम डीएम सर से मिल भी चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था, मैंने उनसे कहा था कि इसका जो भी है उसका एक मीडियन बनाओ कि किस बेस पे आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हो, तो उन्होंने एकदम यहाँ से दिया था, तो डीआईओ सर से वहाँ से मीनाची मैम से मिलके, तो उन्होंने एक बार इससे फिर से रिक्रिएट किया, बट उस टाइम मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, अब हुआ है, तो फिर इन्होंने फिर इसका कोई वो नहीं रखा है कि किसको देना है किसको नहीं देना क्या है। चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि जो भी जैसे भी हो रहा है उसका एक प्रॉपर लिस्ट बने, कोई मीडियम बनाए या परसेंट बनाए या प्रेजेंट बनाए, जो भी उनको बनाना है वो बनाए, एक पारदर्शी तरीका हो, उसमें जो फंस रहा हो उसे दे दिया जाए, नहीं फंस रहा है उसे नहीं दिया जाए, कोई नहीं ऐसा नहीं कहा जाए। मीनाक्षी मैम कह रही हैं कि मतलब हम तुम्हारी तरह थे तो हम मेहनत कर रहे थे, हम तुम्हारी तरह से टेबलेट पीछे नहीं। आज जिलाधिकारी मिले आप क्या कहेंगे? आज जिलाधिकारी हमें यहाँ पे नहीं मिलने नहीं दिया जा रहा है, मतलब नहीं कह रहे हैं, है नहीं यहाँ पे, प्रेजेंट नहीं है, और